दिल्ली पुलिस और काले कोट वालों की झड़प का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। भले ही दिल्ली पुलिस ने 11 घंटे बाद अपना धरना खत्म कर दिया हो, पर दिल्ली पुलिस आज क्या करने वाली है वो जरा आपको बता देते हैं। साकेत कोर्ट परिसर के बाहर कुछ वकीलों ने एक पुलिसकर्मी पर हमला किया था। इस मामले में 2 FIR दर्ज कराई गई थी। दिल्ली हाई कोर्ट में आज इस मामले की सुनवाई होगी। वहीं दिल्ली पुलिस का ये भी कहना है उन वकीलों का लाइसेंस रद्द करें जिन्होंने बाइक गाड़ियों में आग लगाई, और हमारे उन अफसरों को भी वापस लाए जिन्हें लाइन हाजिर किया गया है। वकीलों का लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए, अरेस्ट होकर जेल जाने चाहिए, तब तक हम इनको सबक मिलना चाहिए। वहीं 30,000 कोर्ट की घटना के बाद अदालत ने जो सुविधाएं नियमानुसार वकीलों को दी है, वैसी ही सुविधाएं दिल्ली पुलिस के पीड़ितों को भी देनी चाहिए। दिल्ली पुलिस के विशेष आयुक्त गोलचा ने कहा समीक्षा याचिका के माध्यम से दिल्ली पुलिस आग्रह करेगी। वहीं दूसरी तरफ वकील क्या कर रहे हैं वो भी आपको बता देते हैं। वहीं वकीलों की हड़ताल आज भी जारी है। वकील मांग कर रहे हैं 30,000 कोर्ट के बाहर जिन पुलिस कर्मियों ने फायरिंग की है और वकीलों की पिटाई की है उन्हें सस्पेंड कर गिरफ्तार किया जाए। इधर गृह मंत्री अमित शाह पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। इसी बीच प्रदर्शन कर रहे कई पुलिस वाले तो काम पर भी लौट गए हैं, लेकिन उनके मन में कसक बाकी है। पुलिस कर्मियों को लगता है उन्हें जैसे तैसे मना लिया गया है, लेकिन उनकी मांगे अभी तक नहीं मानी गई हैं। दिल्ली पुलिस कमिश्नर अमूल्य पटनायक ने एक ट्वीट करते हुए लिखा, दिल्ली पुलिस सदा अपनी कर्मठता और कार्यकुशलता के लिए जानी जाती है और हम सब इसकी प्रतिष्ठा की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस पूरे मामले को देखकर तो यही लगता है खाकी वर्दी वाले और काले कोट वालों का यह पंगा अभी भी जारी है। आपको ये खबर कैसी लगी? इस खबर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल हेडलाइंस इंडिया को अभी सब्सक्राइब कीजिए।